तो स्वागत है आपका एक बार पुनः SPS ऑनलाइन स्टडी में। और अपन पढ़ रहे थे व्रत की जितने भी प्रमेय थी और व्रत के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आज अपना है चक्र चतुर्भुज। तो सबसे पहले ध्यान दें कि चक्र चतुर्भुज होता क्या है और चक्र चतुर्भुज में चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, अगर चतुर्भुज को अपन देखें तो चार भुजाओं से घिरी बृहद आकृति को अपन चतुर्भुज कहते हैं। और अगर इस चतुर्भुज, जैसे मान लो इस तरह का कोई चतुर्भुज है, और अगर इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर टच हो रहे हैं, किसी वृत्त की परिधि पे अगर टच होते हैं, तो इस चतुर्भुज को अपन कौन सा चतुर्भुज कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, यानी चक्र के अंदर कोई चतुर्भुज आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होता है। संपूरक का मतलब होगा दो कोणों का योग। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। और पूरक कोण क्या होंगे? दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोण संपूर्ण हो गए होते हैं, ये क्या प्रमेय दे रखी है, अपन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है। प्रमेय का मतलब ये होता है कि वो चीज है ना, उसको सिद्ध करनी है, वो आपके अगर परीक्षा में पूछे तो। अब देखिए ध्यान दें, जैसे एक ही चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और सी और डी। अगर मैं इसको इस तरह से मिला हूं, ये वृत्त के अंदर बन गया, तो अब ये कौन सा चतुर्भुज बन गया? आपका चक्रीय चतुर्भुज बन गया। कौन सा चतुर्भुज बन गया? चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या है आपका? एक एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज के अंदर ध्यान दें कि सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने के कोण। तो आमने सामने के कोण, एक तो ये और ये हो गया, और एक और ये हो गया, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होंगे उनका जो योग होगा हमेशा, वो हमेशा क्या होगा? संपूरक होगा। यानी दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसी तरह से कोण ए प्लस कोण सी भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा ध्यान रखो कि आमने सामने के कोण कितने हो जाएंगे? 180। अब जैसे मान लो आपको दे दिया ये 60 डिग्री, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, हल सवाल भी हल कर सकते हैं। अब 12.9 प्रमेय क्या कहती है कि यदि 180 कोण दे रखा होगा, यदि किसी आमने सामने कोणों का योग अगर 180 होगा तो वो क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये प्रमेय उल्टा करे, अगर चक्रीय चतुर्भुज होगा तो ये कोण और ये कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये दोनों कोण संपूरक होंगे परस्पर, और अगर ये पहले दे रखा है तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमेय 12.8 और 12.9। तो अब अपनी अगली प्रमेय है 12.10 और 12.11। तो 12.10 प्रमेय क्या कहती है कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज अपन बना लेंगे एक तरह, इस तरह से वृत्त बना लिया, और इस वृत्त के अंदर अपन ने क्या बना लिया? एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया, जिसका नाम अपन ने दे दिया ई बी सी एंड डी। अब क्या कह रहा है कि एक भुजा बढ़ाने पर, तो एक भुजा अगर मान लो मैंने ए बी को आगे बढ़ाया इस तरह से, तो ये क्या बन गया? इसका बहिष्कोण बन गया। क्या बन गया? बहिष्कोण। इसको मैं कोण नंबर क्या नाम दे दूं? एक नाम दे दो। तो बनने वाला बहिष्कोण, उसके अंतराभिमुख कोण, अंतराभिमुख मतलब ये बहिष्कोण है, और बहिष्कोण के अंदर क्या है? ये अंतराभिमुख कोण है, और इसके जो सामने कोण होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये अगर कोण दो नाम दे दिया तो मतलब क्या कह रहा है कि बहिष्कोण जो होगा, इसका जो बहिष्कोण होगा वो अंदर वाले कोण के विमुख, अंदर वाले कोण के विमुख, यानी अंदर विमुख कौन सा होगा? ये होगा, और इसके विमुख क्या होगा? ये होगा। तो कोण एक व कोण दो क्या होगा? हमेशा बराबर होगा, ये इसमें कहा गया है ना। अब जैसे मान लो आपको सवाल दे दिया कि भाई ये कितना डिग्री है। अब सवाल कैसे बनेगा? जैसे मान लिया कि आपको ये दे दिया कितना, 60 डिग्री। कितना डिग्री दे दिया? 60 डिग्री। अब देखो अपन को पता है अपन को ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, तो दो तरीके, एक तो तरीका देखो क्या होगा कि इन दोनों का योग कितना हो जाता, इन अंतर्विमुख कोण जो होंगे इन दोनों का योग कितना बताया था मैंने? 180। तो इसमें से 60 घटा दोगे तो कितना हो जाएंगे? 120। दूसरा तरीका क्या है कि अगर देखो ये क्या है, रैखिक है, और इसका पूरे का मान कितना? 180 है, इसका मान 60 है, तो इसका कितना होगा? 120। तो इसका 120 है, कोण एक का मान 120 है, तो कोण दो का मान भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ये कोण बाहर का कोण और इसके अंदर वाले कोण के बराबर होगा। जैसे अगर ये ले लिया मैंने, जैसे ये इसको बढ़ाया, अब इसको बढ़ाने पर क्या होगा? ये कोण होगा, और इस कोण के अंदर कोण ये कोण होगा, और इसके सामने वाला कोण क्या होगा? इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो किसी भी भुजा, जैसे इसको बढ़ा दो, अगर इसको बढ़ाओ तो ये जो कोण होगा इसके अंदर वाले कोण के विमुख इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो 12वीं चैप्टर के सारे प्रमेय आपको मैंने समराइज करके एक बार बता दी है। ठीक है, और इसी के बेस पर आपके सवाल पूछेंगे, इसी के बेस पर आपको कोण निकालना पूछेंगे। ठीक है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनके ऊपर जो सवाल है उनको हल करें एक बार पूरा। ये हो जाएगा प्रमेय और सारे सूत्र, उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।